वन, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ नोट के साथ मैजिक ट्रिक्स जो मैं दिखाऊंगा और फिर मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे आप कर सकते हैं। मैजिक एक आर्ट होता है, कला होता है, कभी भी आप किसी के भी सामने दिखाकर उनको इंटरटेन कर सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैजिक देख लेते हैं। सो फाइनली गाइज, मेरे पास ये दो नोट, एक है 500 का और एक है 50 का। अब मैंने क्या किया है ना, 500 के नोट को भी फोल्ड कर लिया और 50 के नोट को भी हमने फोल्ड कर लिया, ओके। और हम क्या करेंगे ना, हम ये जो 50 का नोट है, इस 50 के नोट को 500 नोट के ऊपर रख देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे जैसा आप देख सकते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैंने 500 के नोट के ऊपर 50 के नोट रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैजिक करूँगा और देखिए क्या होता है। एक्चुअली मैजिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जस्ट 1, 2 and 3, मैजिक टाइम। वाओ, ये तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा जो 50 का नोट है उसके बीच में से चला गया है 500 का नोट, यानी कि बीचों बीच चला गया है। एक्चुअली ये बाहर भी नहीं होगा। वाओ, ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच चला गया है हमारा 500 के नोट। अब फिर से हम मैजिक करेंगे 1, 2 and 3 और देखिए ये 500 का नोट फिर से पीछे चला जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है और 50 का नोट ऊपर में। तो चलिए और एक बार मैजिक को करेंगे, फिर हम सिखाएंगे, ओके। जस्ट 1, 2 and 3, मैजिक मैजिक मैजिक, और देखिए वाओ अमेजिंग। एक्चुअली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो नोट है 500 का नोट, वो मतलब 50 के नोट के बीचों बीच, यस, आप देखिए इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर नहीं होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा मैजिक करते हैं और इसको बाहर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके आंखों के सामने बाहर करके दिखाएंगे। 1 second, जस्ट मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब ये गया मैजिक। जस्ट 1 and 3, तो एक्चुअली देख सकते हैं 500 के नोट को बीचों बीच आर पार करके ये 50 का नोट आ गया और हमारा जो 500 का नोट है वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो एक्चुअली हमारे पास दो नोट है, 50 और 500 रुपीज। सो एक्चुअली मैजिक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो यार एक लाइक जरूर करो और चलो अब सीखते हैं इस मैजिक को कैसे आप कर सकते हैं। इस मैजिक को करने के लिए आपको चाहिए दो नोट, किसी भी नोट से कर सकते हैं। 50 नोट को मैंने यूज़ किया था, तो इसको आपको फोल्ड कर लेना है। 50 नोट को भी आपको हाफ हाफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसको और एक बार ऐसे फोल्ड करना है, ओके। और फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इधर से ऐसे फोल्ड और फिर इसको इधर से ऐसे फोल्ड, आपको ऐसे ऐसे दो चार बार कर लेना है नोट के साथ, ओके। और 500 के जो नोट है, इस नोट में एक छोटा सा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, मैंने सबसे पहले इस नोट को भी ऐसे हाफ हाफ फोल्ड किया, ठीक है, और इसे फोल्ड करने के बाद ये जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से को थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा मोड़ लेना है, ठीक है। एक्चुअली पता चल गया होगा, हाफ हाफ फोल्ड करने के बाद फिर हाफ और फिर बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाफ हाफ नहीं, थोड़ा सा आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, ओके। और जब इस तरीके से आप मोड़ लेते हैं तो फिर आप जब इसको इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरीके से देखने को आपको मिल जाता है, ओके। सो ये होता है हमारा इस मैजिक का सबसे बड़ा ट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं ना, नोट को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और इस हाथ से इस नोट को, तो हम एक्चुअली सबसे पहले जो करते हैं वो है इस नोट को हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर से डाल लेते हैं, ठीक है। और ऐसे देखने में आपको लगता है कि ये 50 नोट हमारे ऊपर में है, यानी कि 500 के नोट के ऊपर में। और अगर हम इस नोट को थोड़ा सा इधर से इधर कर देते हैं तो देखने में लगता है कि एक्चुअली जो है हमारा 50 नोट के बीचों बीच गया है 500 का नोट। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से देखने से आपको ऐसा लगेगा, ओके। आप चाहे तो इस मैजिक को नोट के साथ, कागज़ के साथ, पेपर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली नोट के साथ देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो एक्चुअली देख सकते हैं ये बीचों बीच हो गया है और आपको ये जो है स्पीड में ऐसे ऐसे आपको हिलाना है और धीरे धीरे इधर से इधर खींचना है, तो देखने में लगेगा कि ये फिर से ऊपर आ गया। और फिर इसको अगर ऐसे करते हैं तो देखने में लगेगा कि बीच में आ गया। बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो बहुत सारे तरीके से इसको जो है आप अपना परफॉर्मेंस बना सकते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि इस तरीके से लेने के बाद मैंने नोट को इस तरीके से खींचा और धीरे धीरे बाहर आ गया। तो एक्चुअली ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है, ये ऐसे होता है। आपको करना क्या है, नोट को थोड़ा सा ऊपर ले लेना है और आपको इस तरीके से आपको खींच लेना है। तो ये करना कैसे है, आपको ये फिंगर जो है, थंब जो है, इस जगह पर आपको रखना है ताकि किसी को ये चीज़ देखने को ना मिले, ओके। आप ऐसे मैंने डाल दिया और डालने के बाद हाथ को ऐसे रखा और नोट को थोड़ा सा ऊपर में ले आने के बाद ये देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। मैंने यहाँ पर उंगली रखा और जस्ट मैजिक टाइम 1, 2 and 3, देखने में लग रहा है कि मैजिक से नोट को छेद करके बाहर आ गया और कुछ भी नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया, ठीक है, तो ये सीधा हो गया।
तो आपको जल्दी से इसे खींच के नोट को दिखाना है कि देखिए सिंपली ये भी नोट सिंपल है और ये नोट भी सिंपल है। सो आशा करते हैं आपको ये नोट का मैजिक पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और हाँ नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही नए नए मैजिक सिखाते रहते हैं। क्या सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो कर लो यार, बहुत जल्दी नया वीडियो आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।